हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोशनल एसएमएस कैसे भेजते हैं। प्रमोशनल एसएमएस भेजने के लिए आपके पास ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। बेसिकली इसका यूज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, ऑफर्स के मैसेज भेज भेज के। आपके फ़ोन पे भी प्रमोशनल एसएमएस आते होंगे कि 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर आपके लिए केवल, है ना। आप इस टाइप के मैसेज भेज सकते हैं दूसरों को अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो। प्रमोशनल एसएमएस भेजने के लिए आपको एक बल्क एसएमएस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना होता है। इंडिया में कंपनी है fastosms.com, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ और इसी का यूज़ करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले आपको fastosms.com वेबसाइट विजिट करनी होती है। ये उसका होम पेज आप देख सकते हैं, ठीक है, fastosms.com। आपको क्लिक करना होता है साइन अप नाउ पे, और यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे अपना नाम भरिए आप, जो आपका नाम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इसमें ऐसे कुछ डाल देता हूँ क्योंकि मेरा एक डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके। अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे पासवर्ड और यूजर नेम जाएगा, ठीक है, जिसका भी यूज़ करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सबमिट, ओके। सो फोन पे आ चुका है डिटेल्स, इसका यूज़ करके लॉगिन करते हैं, ठीक है, ओके। लॉगिन, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड जो आपके फोन पे गया है, फाइनली सबमिट। सो आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस वेरीफाई पहले कीजिए। तो वेरीफाई करेंगे तो आपको 5 रुपये मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, ओके, सेंड कर देते हैं, चला गया, आ गया। वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ से, क्लिक टू वेरीफाई। सो आप देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई हो चुका है और आपको 5 रुपये मिल गए हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको डेली 20 SMS मिलते हैं फ्री, जो आप भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं कि सेंडर ID fastosms का होगा, यहाँ पे fastosms जाएगा। और इसमें आप कुछ प्रमोशनल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ऑफर और डिस्काउंट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली भेज सकते हैं केवल हेलो हाय का मैसेज, ठीक है। अगर आप बल्क SMS भेजना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, तो आपको क्लिक करना होगा बल्क SMS पे, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंडर ID। तो सबसे पहले आपको सेंडर ID बनानी होती है और उसके लिए आपको चार्ज पे करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना। यहाँ पे क्लिक करेंगे एड न्यू, और जैसे कि इससे ये पता चलता है कि मैसेज कहाँ से आया, ठीक है, किस कंपनी से आया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कस्टमर आ रहा है। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हमारी कंपनी से जाता है आई क्रॉस करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वरना जाएगा fastosms का। तो यहाँ पे क्लिक करना होता है आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपको यहाँ पे करना होता है इनका जो प्लान है, जैसे कि 10 रुपये का है एक महीने के लिए। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो भी आप जितने महीने के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक अकाउंट पहले से ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सेंडर ID ले भी लेते हैं तब भी यहाँ पे ये जो नंबर ये शो करता है, ठीक है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको इनका एक प्रीमियम मेंबरशिप लेना होता है, और वो होता है 180 दिन के लिए, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना होता है मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है नंबर हट जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको देख सकते हैं 180 दिन के लिए होता है इसकी वैलिडिटी, और आपको 100 रुपये पे करने होते हैं। आप यहाँ से आप चेक करके पे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, जो मेरा एक प्रीमियम अकाउंट है इसी वेबसाइट पे, ठीक है। इसे यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रीमियम अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे आप चेक मार्क भी देख सकते हैं प्रीमियम यूजर का, ठीक है। लेकिन सेंडर ID खरीदने से और मेंबरशिप लेने से आप मैसेज नहीं भेज पाएंगे। मैसेज भेजने के लिए आपको अलग से चार्ज पे करना होता है, जो कि है 15 पैसे प्रति SMS इंग्लिश में 160 कैरेक्टर। अगर आप वही SMS हिंदी में भेजेंगे आपको 90 पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मोस्टली प्रमोशनल के SMS इंग्लिश में जाते हैं, हिंदी में नहीं जाते हैं, ये रीज़न है, ठीक है। सो उसके लिए आपको अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ऐड क्रेडिट। यहाँ से आप जितना चाहे उतना पैसे ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में,
लेकिन 10 रुपये से कम ऐड नहीं कर सकते हैं। प्लस आपको GST भी पे करना होता है, जैसे कि 10 रुपये अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 1 रुपये से पैसे GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है इसलिए मैं यहाँ से पे नहीं करूँगा। तो चलिए SMS भेजते हैं। SMS भेजने के लिए आपको जाना होता है बल्क SMS पे, और यहाँ पे आपको सेंडर आईडी चूज़ करनी होती है, अपनी सेंडर आईडी जो आपने बनाई है, जैसे कि यहाँ पे आईक्रॉस है, मोबाइल नंबर जिसे आप भेजना चाहते हैं, यहाँ से जिसे चाहे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लोगों को ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंटेंट जो आप भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले से मैसेज भेजा हुआ है, इसे ड्रैग कर लेते हैं। आपको ध्यान देना होता है कि जो करेक्टर वो 180 से कम हो, अगर ज़्यादा होगा तो आपको डबल चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं आपको क्लिक करना होगा यूनिकोड पे, और यहाँ से लैंग्वेज हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं हिंदी, ठीक है। और यहाँ से आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप मैसेज हिंदी में भेजेंगे आपको 6 गुना चार्ज पे करना पड़ेगा, 90 पैसे, और इंग्लिश में 15 पैसे केवल। तो यहाँ से हम एक मैसेज भेजते हैं, ओके। यहाँ पे शो करेगा कि आपके SMS का कॉस्ट कितना है, कितने कैरेक्टर का SMS है, और मैसेज कितने हैं, और कितने नंबर से मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि आप सुबह 9 बजे से पहले और 9 बजे के बाद शाम को मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ये एक ट्राई का रूल है, ठीक है। तो आपको जो भी मैसेज भेजना हो आप 9 से 9 ही भेजिएगा। अगर आप उसके पहले भेजना चाहते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मैसेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली नंबर्स पे चले जाएंगे 9 बजे के बाद ऑटोमेटिकली। सो इस तरह से प्रमोशनल SMS भेजते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।